हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बॉसम्स विद रिचा। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो प्लांट्स हैं आप लोग देख रहे हैं इनमें मैं कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करती हूँ, कैसे मैं इनके सॉइल प्रिपेयर करती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आप गमले का होल देख रहे हैं इसमें मैं ये कागज़ के जो बैग्स आते हैं उनका टुकड़ा लगा दूंगी, जिससे हमारी सॉइल होल से बाहर ना निकले और पानी पूरा निकल सके। फिर ये देख रहे हैं आप, ये है हमारी गार्डन सॉइल। ये गार्डन सॉइल मैं अपने बकेट में डालूंगी और फिर इसमें हम करीब 20% अपनी ये सैंड ऐड कर देंगे। ये सैंड मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, मोटी सैंड है जो कि मैं इसमें मिक्स करती हूँ। इससे क्या होता है कि पानी ठहरेगा नहीं ज़्यादा देर तक, इसमें पानी आराम से निकल जाएगा, ड्रेनेज अच्छा रहेगा पानी का। उसके बाद फिर हम बाकी रेस्ट यूज़ करेंगे हम वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें जो हमारा रेश है वो हमारा है करीबन करीबन हमारा 40% गार्डन सॉइल है, 20% हमारी सैंड है एंड रेस्ट हमारी वर्मी कंपोस्ट है। तो इसमें हम वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे। मेरी वर्मी कंपोस्ट जो मैंने मंगाई थी वो थोड़ी गीली है, पर थोड़ा सा गीला रहना, मॉइस्ट रहना इसको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मॉइस्ट नहीं रहेगी तो इसमें जो भी केचुए हैं या जो भी इसमें इंसेक्ट्स है वो सब मर जाएंगे, इसलिए इसका थोड़ा मॉइस्ट रहना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे को, बिल्कुल अलग अलग नहीं रहे और मिट्टी में बिल्कुल ईजिली मिक्स हो जाए। तो सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी नीम की खली भी ऐड कर देंगे। नीम की खली से क्या होता है कि फंगस जो भी होती है मिट्टी में वो नहीं लगती है, हमारे प्लांट सेफ रहते हैं, फंगस का अटैक नहीं हो पाता है हमारे प्लांट्स में इस नीम की खली से। नीम की खली को हम क्या करेंगे कि पाउडर बना लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने पाउडर बना रखा है और फिर हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, समझ लीजिए करीब 5-6 ग्राम इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी नीम की खली और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी सरसों की खली भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें नीचे बॉटम में हम थोड़ी सी वही मोटी वाली सैंड डाल देंगे, जिससे कि एक बेस तैयार हो जाए, पानी इसमें रुके ना। और फिर हम ये सैंड का जो मिक्सचर है, जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया है, उससे हम अपना गमला भर लेंगे। और गमला भरने अब हमारा जितना भी पोर्शन है उसमें हम पूरा अपनी जो मिक्स की हुई पॉटिंग मिक्स है वो हम भर देंगे और फिर हम इसमें कोई भी प्लांट लगाएंगे। तो अगर हमारी ये रहेगी पॉटिंग मिक्स तो बहुत अच्छा हमारा प्लांट ग्रो करेगा। ये देखिए मैंने इसमें बिगोनिया के बल्ब लगाए हैं। बिगोनिया का बल्ब कैसे लगाया जाता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस तरह अभी मैं इसमें बल्ब लगा रही हूँ, इसी में इस पॉटिंग मिक्स में ही आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, आपके प्लांट में फंगस लगेगा, वाटर भी इसमें लॉग नहीं होगा और आराम से निकल जाएगा, ड्रेनेज इसका बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी प्रिपेयर करेंगे अपने प्लांट्स के लिए। तो ये हैं हमारे दीपचंद भैया जो कि हमारी गार्डनिंग में बहुत मदद करते हैं, इनकी मदद के बिना शायद इतना बढ़िया हमारा गार्डन ना हो पाता। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सॉइल मिक्स यूज़ करने से हमारे प्लांट्स कितने बढ़िया चल रहे हैं, कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है हमारे प्लांट्स की। तो आप लोग भी यही पॉटिंग मिक्स यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।